हेलो अस्सलाम वालेकुम आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल तो जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको मेलचिम के बारे में बताया था कि कैसे उसके थ्रू आप लैंडिंग पेजेस क्रिएट कर सकते हो और अपनी ईमेल लिस्ट को सेट कर सकते हो और आपके सामने एक ईमेल सेट कैंपेन सेटअप करके भी दिखाई थी उसके अलावा यूज़र जर्नी के बारे में बात की थी और आपको कुछ टिप्स दी थी हाउ यू कैन ग्रो योर सब्सक्राइबर लिस्ट तो आज की वीडियो में हम जिसकी बात करेंगे दैट इज़ इम्पॉर्टेंट मेट्रिक्स यू मस्ट ट्रैक फॉर योर बिजनेस So let's get started. सबसे पहले तो अगर इसकी इंपॉर्टेंस की बात की जाए ऑब्वियसली आप जो भी कैंपेन रन करते हो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू फाइंड आउट द रिजल्ट्स रिजल्ट वेदर द कैंपेन वाज सक्सेसफुल और नॉट आपको गोल्स आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी होता है कि uh, आप एक कैंपेन से व्हाट डू यू वांट यू नो देर आर बिजनेसेस जो ई या कैंपेन्स चलाते हैं जिससे वो चाह रहे होते हैं कि उनका वेब ट्रैफिक बढ़े या फिर uh, उसके थ्रू वो चाहते हैं कि यू you नो know, लोग ज्यादा से ज्यादा उनकी वेबसाइट पर जाकर ऑर्डर प्लेस करें तो यू नीड टू आइडेंटिफाई गोल्स तो इसी हवाले से मैं आपको आ, बहुत सारे मेट्रिक्स हैं उसके बारे में बताऊंगी जो आपके बिजनेस के लिए बहुत जरूरी है टू ट्रैक तो सबसे पहला मेट्रिक जिसकी मैं बात करूंगी दैट इज योर ओपन रेट ईमेल ओपन रेट का फॉर्मुलाइज नंबर ऑफ ईमेल्स ओपन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईमेल्स डिलीवर्ड इनटू इन टू हंड्रेड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो कि आपने जो ईमेल्स मेल्स निकाल ली फॉर एग्जांपल मेलचेम के थ्रू आपने कैंपेन सेट भी कर लिया और ई निकाल दी उसके बाद कितने लोग हैं जिन्होंने ई मेल को ओपन किया यू कैन एक्सपेक्ट एवरी सिंगल पर्सन टू ओपन राइट देर एंड देन तो uh, इसका जो इंडस्ट्री एवरेज रहा है ओपन रेट का अकॉर्डिंग टू मेलचेम डेटा दैट इज अराउंड फिफ्टीन टू ट्वेंटी फॉर बिजनेस बट वो इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री वेरी करता है तो दैट से क्यों फर्स्ट उटनेटेंट रोल so, करते हैं in, uh, deriving, you know, open it, कैसे आपका वेरी कर सकता है वन इज याइन प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल अगर आपकी सब्जेक्ट लाइन बहुत ज्यादा इफेक्टिव होगी ज्यादा से ज्यादा लोग आपकी ई मेल ओपन करेंगे उसके अलावा दूसरी चीज है आपका uh, टाइम जिस टाइम पे आप ई uh, मेल्स भेज रहे हो यू नीड टू मेक श्योर कि आप किसी और टाइम पे ई नहीं भेज रहे बिकॉज अदरवाइज फिर आपका ओपन रेट बहुत कम होगा तो यू नीड टू मेंटेन अ गुड ओपन रेट अगेन जितना ज्यादा ओपन रेट होगा उतना ही अच्छा है आपके बिजनेस के लिए नाउ मूविंग ऑन द सेकेंड मेट्रिक दैट यू कैन कैलकुलेट फॉर योर बिजनेस इज योर क्लिक थ्रू रेट वंस किसी ने आपकी ई ओपन कर भी ली एट टाइम्स दे बाउंस बैक है वो वापस चले जाते हैं दे डोंट व्यू द ई uh, मेल तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो अपना क्लिक थ्रू रेट आप कॉल टू एक्शन बटन दे सकते हो देख सकते हो कितने लोगों ने उस बटन पे क्लिक किया या बैनर्स के पीछे आप लिंक्स दे सकते हो जिनका आप ट्रैक कर सकते हो तो इसका फॉर्मूला इज नंबर ऑफ क्लिक्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ई डिलीवर्ड इन टू हंड्रेड तो इससे ये होता है कि आप देख सकते हो पता लगा सकते हो कितने लोगों ने इंगेज किया उस ईमेल में तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट मैट्रिक होता है फॉर योर बिजनेस और अगर इसकी इंडस्ट्री एवरेज की बात की जाए तो इट्स मच लेसर देन ओपन रेट क्लिक थ्रू रेट ऑन एवरेज आपका अराउंड टू टू फोर परसेंट तक होता है फॉर बिजनेस बट अगेन यू कैन सेट योर ओन बेंचार्क्स आप डिफरेंट तरीके की कैंपेन्स रन कर सकते हो फॉर योर बिजनेस और उनके क्लिक थ्रू रेट्स एंड ओपन रेट्स कंपेयर

ना उसके अलावा जो एक और मेट्रिक आप कैलकुलेट कर सकते हो विच इज अकॉर्डिंग टू मी वेरी इंपॉर्टेंट इज योर कन्वर्जन रेट अगर आपका ईमेल का गोल है कि ज्यादा से ज्यादा लोग वेबसाइट पर जाकर ऑर्डर प्लेस करें आपके साथ कन्वर्जन रेट इज वन मेट्रिक विच यू मस्ट ट्रैक इससे इसका फॉर्मुलाइज नंबर ऑफ कन्वर्जन डिड नंबर ऑफ ई मेल डिलीवर्ड इन टू हंड्रेड कितने लोगों ने ई मेल पढ़ के आपके साथ ऑर्डर प्लेस किया बेसिकली तो इसका अगर इंडस्ट्री एवरेज की बात की जाए दैट्स अराउंड टू टू सेवन परसेंट बट ये टेन परसेंट तक भी जा सकता है गेन Uh, from an industry to industry. और इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है टू इंटीग्रेट योर वेब एनालिटिक्स विद योर ईमेल प्लेटफॉर्म तो फॉर एक्जाम्पल इफ योर यूजिंग मेल चेब आपको उसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा विद योर वेब एनालिटिक्स अगर आप गूगल एनालिटिक्स है आप उसको इंटीग्रेट कर दोगे एंड आपको ट्रैकेबल यू आर एस जनरेट करने है आपके जो लिंक्स हैं जिनकी मैं बात कर रही हूँ जो आप ट्रैक करते हो वो ट्रैकेबल होते हैं तो वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कैसे आप ट्रैकेबल यू आर एल जनरेट कर सकते हो एंड वंस आप उसको जनरेट करके अपनी ई uh, मेल्स में डालोगे फिर आप इजिली गूगल एनालिटिक्स में रिपोर्ट्स व्यू कर सकते हो कि कैसे

सम ऑफ द रीजन जो लाइक करती हैं, बट आपके लिए इंपॉर्टेंट है कम से कम बाउंस रेट मेंटेन करना बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आप चाहते हो कि आप क्वालिटी सब्सक्राइबर की लिस्ट मेंटेन करो एंड यू नीड टू फिल्टर आउट योर लिस्ट अकॉर्डिंगली तो बाउंस रेट इज वन इशू जो काफी बिजनेसेस हैं जो फेस कर रहे हैं एंड इनफैक्ट बहुत सारे बिजनेस ने अब तो डबल ऑप्ट इन फॉर्म डाल दिए इन ऑर्डर टू कंट्रोल देयर बाउंस रेट और रिड्यूज देअर बाउंस रेड सो एज आई मैं लास्ट वीडियो में भी मैंने बताया था ऑप्टिन फॉर्म्स जो है उसके थ्रू आप ई मेल्स को जनरेट कर सकते अपनी सब्सक्राइबर लिस्ट क्रिएट कर सकते हो उसके थ्रू तो आप डबल ऑप्टिन फॉर्म आ सकते हो वंस उन्होंने ई मेल एड्रेस दिया सपोज किसी का टाइपो भी हुआ तो उसके बाद दे हैव टू वेरीफाई दैट ई मेल एड्रेस और वो एक ऑप्शन प्रोवाइड किया जा सकता है जिसमें बताया कि यू आर सब्सक्राइबिंग टू आर न्यूज लेटर सो दैट यू नो सब्सक्राइबर को पता कि okay, आई एम गॉन रिसीव ई मेल फ्रॉम दिस ब्रांड नाउ तो दिस थिंग डबल ऑप्टन फॉर्म हैज एक्चुअली वर्कड फॉर अड ऑफ बिजनेस और उनका बाउंस रेट कम हुआ है बिकॉज ऑफ दिस सो अगर आपके बिजनेस का ज्यादा बाउंस रेट है अगैन यू कैन गो फॉर डबल ऑप्टन फॉर्म ऑन योर वेबसाइट मूविंग ऑन नाउ यू कैन ऑल्सो ट्रैक अनसब्सक्राइब रेट सो so बेसिकली uh, आप पता लगा सकते हो तो कितने लोग हैं जिन्होंने आपके ई मेल से अनसब्सक्राइब किया अगेन आप नहीं चाहते कि किसी को भी आप फोर्सफुली ई मेल्स भेजो तो यू ऑलवेज प्रोवाइड एन ऑप्शन इन योर ऑन योर न्यूज लेटर के मैन एवर दे वॉन्ट टू अनसब्सक्राइब टू योर न्यूज लेटर्स दे कैन तो ये ऑब्वियसली ज्यादा से ज्यादा कम हो उतना ही बेटर होता है फॉर बिजनेसेस बिकॉज यू डोंट वांट पीपल टू गेट अनॉइड हो वो अनसब्सक्राइब कर दें आपकी न्यूज लेटर्स में तो इसका अगर इंडस्ट्री एवरेज की बात की जाए दैट इज अराउंड जीरो पॉइंट टेन परसेंट तो दिस इज अगेन अनदर मेट्रिक दैट यू कैन ट्रैक फॉर योर बिजनेस नाउ मूविंग ऑन एक और चीज जो आप ट्रैक कर सकते हो दैट इज योर लिस्ट ग्रोथ रेट फॉर एनी बिजनेस इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू ग्रो देर सब्सक्राइबर लिस्ट क्योंकि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक रीच आउट करना चाहते हो थ्रू ई तो ये एक मेट्रिक है जो आपको आई डोंट थिंक ऑन रेगुलर बेसिस कैलकुलेट करना चाहिए बट ओकेजनली ये यू शुड कैल्कुलेट किस पेज से आपकी लिस्ट ग्रो कर रही है uh, इसका इज नंबर ऑफ न्यू सब्सक्राइबर्स माइनस नंबर ऑफ अनसब्सक्राइब्स डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ ई मेल एड्रेसेस इन टू हंड्रेड कितने नए लोग हैं जो आपको मिले सब्सक्राइबर्स कितने लोगों ने अनसब्सक्राइब कर दिया तो इससे आप अपना ग्रोथ रेट कैलकुलेट कर सकते हो Overall ROI. Now ROI rate again, just in the first video, bhi batao, return on investment is something that is very important for any business. तो आप इस प्लेटफॉर्म की परफॉर्मेंस को टेस्ट आउट कर सकते हो और देख सकते हो आपको कितना रिटर्न मिल रहा है थ्रू ई मेल्स कितना आपने इन्वेस्ट किया और इसको रिटर्न डिवाइड बाई इन्वेस्टमेंट इन टू हंड्रेड कर सकते हो और अपना आर ओ आई रेट कैलकुलेट कर सकते हो इंडस्ट्री एवरेज की बात की जाए तो इट्स अराउंड वन ट्वेंटी टू परसेंट अगेन जैसे मैंने फर्स्ट वीडियो में भी आपको बताया था ई मेल इज अ वेरी इफेक्टिव प्लेटफॉर्म इफ़ यूज प्रॉपर्ली और वन डॉलर के अगेंस्ट आप अराउंड फोर्टी टू डॉलर्स कमा सकते हो तो आप आर ओ आई भी कैलकुलेट कर सकते हो ऑफ योर ई मेल प्लेटफॉर्म उसके अलावा आप जो मेट्रिक कैलकुलेट uh, कर सकते हो फॉर योर बिज़नेसेस ईमेल शेयरिंग रेट एट टाइम्स बिजनेस ई मेल्स में ऑप्शन प्रोवाइड करते हैं टू फॉरवर्ड द ई मेल या शेयर कर सकते हैं ऑन द सोशल चैनल्स तो आप देख सकते हो कितने लोग हैं कितने सब्सक्राइबर्स यहाँ पर जो आपके ब्रांड एडवोकेट्स हैं जो आपका बिजनेस आगे पहुंचा रहे हैं या अपने फ्रेंड्स से शेयर कर रहे हैं सो नंबर ऑफ शेयर डिड बाई नंबर ऑफ ई मेल्स डिलीवर्ड इन टू हंड्रेड ये इसका फॉर्मूला है एंड यू कैन कैलकुलेट योर ई मेल शेयरिंग रेट जितना ज़्यादा ई मेल शेयरिंग रेट होगा उतना ही ज़्यादा अच्छा है आपके बिजनेस के लिए उसके अलावा यू कैन कैलकुलेट स्पैम रेट नंबर ऑफ स्पैम डिवाइड बाई नंबर ऑफ ईमेल डिलीवर इन टू हंड्रेड कितने लोग हैं जिन्होंने आपकी ईमेल को एज अ स्पैम कंसिडर किया विच इज नॉट अ गुड साइन फॉर योर बिजनेस तो ये जितना कम होगा स्पैम रेट उतना ही अच्छा है आपके लिए इंडस्ट्री एवरेज की बात की जाए तो आई डोंट थिंक इट शुड क्रॉस अराउंड जीरो पॉइंट वन परसेंट नाउ दीज बर सम ऑफ द मेट्रिक जो आप कैलकुलेट कर सकते हो फॉर योर बिजनेस जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए अब आप मैं बात करूंगी गूगल एनालिटिक्स की जिसके बारे में मैंने बात की थी कि आप कैसे वेब uh, एनालिटिक्स के थ्रू रिपोर्ट जनरेट कर सकते हो ट्रैक कर सकते हो कितने लोग कन्वर्ट हुए uh, और ट्रैकेबल यू की बात करूंगी जो आप लिंक्स अपने मेलचेम में डाल रहे हो यू नीड टू इंश्योर कि वो ट्रैकेबल हो तो आप वो कैसे ट्रैकेबल लिंक्स जनरेट कर सकते हो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी अब तो बहुत ही आसानी हो गई है देर एज सेपरेट यू आर एल बिल्डर ऑन गूगल एनालिटिक्स जिसके थ्रू आप अपने बिजनेस के लिए ट्रैकेबल लिंक्स जनरेट कर सकते हो आई प्रोवाइडेड अ लिंक हि जिसके थ्रू आप अपने बिजनेस के लिए यू जनरेट कर सकते हो सो गो देर एंड शो यू की आप कैसे आ, ये कर सकते हो तो देर इज अ कैम्पिन यू आर एल बिल्डर इसके लिए चार चीजें जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है दैट इज योर वेबसाइट यू आर एल आपकी वेबसाइट का लिंक क्या है कैंपिन uh, सोर्स आपको आइडेंटिफाई करनी होती है कैंपिन मीडियम आइडेंटिफाई करना होता है और कैंपिन नेम आइडेंटिफाई करना होता है उसके अलावा ऑप्शनल है दोनों ऑप्शन कैंपिन टर्म और कैंपिन कॉन्टेंट सो अगर मैं अज्यूम uh, करूं देर इज अ वेबसाइट डब्ल्यू 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 डॉट रेवलॉन डॉट कॉम तो इसकी कैंपेन सोर्स में हम डालेंगे कि ऑब्वियसली ईमेल्स आपकी सोर्स है तो न्यूज लेटर वुड बी योर कैंपेन सोर्स कैंपेन मीडियम में अगर आप बैनर का लिंक ट्रैक करना चाह रहे हो तो मैं बैनर डाल दूंगी एंड कैंपेन नेम आपका जो भी कैंपेन होगी स्प्रिंग सेल समर सेल वट एवर यू वॉन्ट टू कम अप विद मैं इसमें समर कलेक्शन डाल दूंगी सो इसमें यू नीड टू इंश्योर कि स्पेसेस नहीं होती स्पेसेस आई यूज एंड दिस इज हाउ मैं अपना यू आर एल जेनरेट कर सकती हूँ दिस इज माई यू आर एल अब ये जो लिंक होगा ये ऑब्वियसली मेरे बिजनेस के लिए ट्रैकेबल होगा और uh, मैं इसके थ्रू uh, अपना कैंपेन जो है आ, ट्रैक कर सकती हूँ और इस लिंक के थ्रू बेसिकली जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी वो मेरे गूगल एनालिटिक्स में जा रही होगी और मैं रिपोर्ट्स से अपनी कैंपेन की परफॉर्मेंस को मेजर कर सकती हूँ नाउ मैं आपको बताती हूँ एग्जैक्टली गूगल एनालिटिक्स आपके लिए करता क्या है आ, बेसिकली गूगल एनालिटिक्स के थ्रू यू कैन कंपेयर द परफॉर्मेंस ऑफ डिफरेंट चैनल्स अगर आप चाहते हो आप ई मेल परफॉर्मेंस अपनी ई मेल्स की परफॉर्मेंस कंपेयर करो सोशल चैनल या और भी अगर आपके एडवर्टाइजिंग चैनल्स हैं वो आप कर सकते हो रियल टाइम रिपोर्ट्स आप आ, देख सकते हो कि कितने लोग ई मेल के थ्रू अभी आपकी वेबसाइट पे आए हुए हैं इस तरह की चीजें आप ट्रैक कर सकते हो कैंपेन रिपोर्ट रिपोर्ट्स ट्रैक कर सकते हो अगर आपकी ईमेल बेस्ड कैंपेन्स है तो आपकी ईमेल्स की क्या परफॉर्मेंस रही तो उसका भी मैं आपको थोड़ा सा डेमो सॉर्ट ऑफ दिखा देती व्हाट गूगल एनालिटिक्स एक्चुअली लुक्स लाइक और कैसे आप ये रिपोर्ट जनरेट कर सकते हो तो यहाँ पे मैं जाऊंगी एक्विजिशन uh, में एंड यहाँ पे ऑल uh, ट्रैफिक का ऑप्शन आता है uh, जिसके थ्रू आप uh, अपनी चैनल्स की रिपोर्ट्स देख सकते हो सो फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू हैव डिफरेंट एडवर्टाइजिंग चैनल्स आप ई मेल के परफॉर्मेंस कंपेयर कर सकते हो विद डेम सो so, यहाँ पे ई आ रहा है एंड फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम यूजिंग ऑल दीज चैनल सोशल पेड ऑर्गेनिक सर्च तो इन सब की मैं परफॉर्मेंस देख सकती हूँ आपको एक डेट सेट करनी होती है कि लास्ट वीक की सपोज मैं देख रही हूँ लास्ट मंथ की देख रही हूँ दैट यू कैन ऑलवेज चेंज और फिर यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आते हैं आप ये चीजें ट्रैक कर सकते हो कि इस इस डेट में मुझे कितने ई के थ्रू न्यू यूजर्स मिले बाउंस uh, रेट कितना रहा सेशन कितने मिले तो यहाँ पे आप इसकी परफॉर्मेंस ट्रैक कर सकते हो उसके अलावा अगर आपको कैंपेन्स की परफॉर्मेंस ट्रैक करनी है ई की तो आप कैंपेन्स में जाओगे एक्विजिशन में जाओगे पहले उसके बाद कैंपेन्स में जाओगे एंड देन ऑल कैंपेन्स तो आपकी जो सेपरेट ई मेल कैंपेन्स होंगी उसकी परफॉर्मेंस आप ट्रैक कर सकते हो सो दीज आर डिफरेंट कैंपेन्स जिनकी परफॉर्मेंस में ट्रैक कर सकती हूँ उसके अलावा जो मैंने बात की थी दैट इज योर रियल टाइम ट्रैफिक तो ये भी आपकी रिपोर्ट्स में आपके रियल टाइम के अंडर आ रहा होता है ट्रैफिक सोर्सेस रियल टाइम पे मैं गई और उसके बाद मैं ट्रैफिक सोर्सेज में गई तो ये मुझे बता रहा है कि इतने लोग मेरी वेबसाइट पे अभी प्रेजेंट हैं और अगर आपको सोर्स देखनी है तो आप ईमेल को भी ट्रैप कर सकते हो जैसे अभी मेरे पास ईमेल शो नहीं हो रहा है विध शोर्स के ईमेल के थ्रू मेरे पास नहीं आ रहा अभी कोई भी ट्रैफिक लेकिन यहाँ पे ई मेल ऑप्शन आ रही होती है तो इसके थ्रू अगेन आपको यू गेट अ बेटर इनसाइट और आप इन डेप्थ अगर एनालिसिस करना चाहते हो गूगल एनालिटिक्स इज वन प्लेटफॉर्म दैट यू कैन यूज एंड स्पेश अगर आपको कन्वर्जन मेजर करनी है फॉर योर ई मेल्स तो आपको अपना जो वेबसाइट है एनालिटिक्स है उसको लिंक करना पड़ेगा इंटीग्रेट करना पड़ेगा विद योर ई मेल प्लेटफॉर्म इसी तरीके से आप अपनी कैंपेन की परफॉर्मेंस मेजर कर सकते हो सो दैट्स अबाउट इट फॉर टुडे इन शाह नेक्स्ट लेसन में वे गुन बी टॉकिंग अबाउट पर्सनलाइजेशन सेगमेंटेशन एंड ऑटोमेशन आई होप आज का लेसन आपके लिए फ्रूटफुल रहा होगा आई सी यू ने